Assalamu alaikum and welcome to Sunsilk World Cup Cricket Hangama. It's presented by Panther Tires, powered by Sparks Smartphones. Shine with Sparks, ye unka kehna hai, and brought to you by Zameen.com. Har pata hame pata hai. As always, I have got Salim Malik sahab in the house and of course Abdul Rauf sahab. So let's start. Kal ka, aaj ka match bada kamal match hai. South Africa versus Netherlands. Lekin ye bataye aap kaise hain? मैं ठीक हूँ सर, आप ठीक हैं? मैं बहुत, अल्लाह का शुक्र है बहुत. कल जो हमने जो कुछ आखिरी ब्रेक के अंदर हमने किया है उसकी खासी धूम हो गई है. तो आई थिंक वी वांट टू से थैंक यू टू एवरीवन हु इज़ वाचिंग अस. और ये हमारी सबकी दिल की फीलिंग थी. हमने ये चाहा था कि हम अपना जो नज़रिया है वो दूसरों तक पहुँचाएँ, वो पहुँचा है. सो उसके लिए आपकी जो अप्रिसिएशन मिली है उसका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो वेरी मच. जी सर जी, माशाल्लाह आपने कल अच्छी इनकी खिंचाई की है और होनी भी चाहिए. जो इन्होंने किया है, हरकत जो की है वो अच्छी नहीं है, किसी सूरत भी अच्छी नहीं थी. तो माशाल्लाह आपने उनको बड़ा अच्छा पैगाम. किसी ने मुझसे कहा उसका नाम मिनी जिंदल है. मैंने कहा जिंदल हो, जिंदाल हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. हमारे लिए तो जिंदाल ही था. हाँ, जिंदाल था. सर, साउथ अफ्रीका वर्सेज नेदरलैंड्स क्या होने वाला है? मेरा ख्याल वो हमसे ज़्यादा सबको पता है कि क्या होने वाला है. मतलब एक वीक नहीं, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता. साउथ अफ्रीका ऑब्वियसली फॉर्म में है और दोनों मैच जीती है और बहुत दबंग किस्म के मैच जीती है. तो मेरा ख्याल है कि मैच तो कोई नहीं है, मगर क्रिकेट एक ऐसी फनी गेम है, इसमें कुछ भी हो जाता है. मतलब इन्होंने बहुत सारी टीमों को बैठ के हम ये कह रहे हो कि नेदरलैंड्स जीत गया. नहीं, ये हुआ है. ये सहर भाई, बहुत सारी टीमों वर्ल्ड कप में इन्होंने हराई हुई है बड़ी टीमों को. मगर अगर आप ऑन द पेपर देखें तो मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका का और नेदरलैंड का कोई मैच मुकाबला नहीं. मगर कुछ प्लेयर उनके हैं जिनको आप कह सकते हैं कि अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस करें या बहुत बुरा दिन हो साउथ अफ्रीका का, तो वो आज कोई 200 में आउट हो जाए, जो कि चांसेस नज़र नहीं आते कि 200 में आउट होंगे. देखें, हमारा कैमरामैन भी हंस रहा है कि बात ठीक है. लेट्स से मैच शुरू होता है, देखते हैं क्या. अच्छा, बारिश यहाँ भी हुई और वहाँ भी हुई है. बारिश का चूँकि मौसम चेंज हो रहा है, बारिश तो होगी जी, हर जगह होनी चाहिए. ये भी पंजाब साइड पर तो नहीं मैच हो रहा कहीं? जी सर, देखिए साउथ अफ्रीका का अगर आप एनालिसिस देखें तो नंबर थ्री पे है और जो नेदरलैंड है वो बॉटम पे है. ओके, तो मेरा ख्याल है कि जिस पूरे वर्ल्ड कप की एक वाइल्ड टीम है कि जिसके तीनों शोबे हैं, बॉलिंग और बैटिंग फील्डिंग, वो अपनी एक्सेलेंट फॉर्म में है. और इन्होंने इस टूर्नामेंट का अभी तक जो हाईएस्ट स्कोर है वो भी इन्होंने किया 434 अगेंस्ट श्रीलंका, और उसके बाद उसको सक्सेसफुली डिफेंड भी किया. जो लास्ट इनके दो मैचेस हुए हैं वो स्ट्रॉन्ग निस्बतन जो मजबूत टीमें थी टूर्नामेंट की, श्रीलंका थी और ऑस्ट्रेलिया, उनके खिलाफ हुए हैं और ये दोनों मैच जीते हैं. आज इनका निस्बतन थोड़ा सा कोई एक वीक टीम के खिलाफ मैच है, तो ये कोशिश करेंगे ये मैच जीत कर ये पॉइंट टेबल्स में पहले नंबर पर फिनिश करें. तो मेरा ख्याल है कि अभी तक इस टूर्नामेंट में जो सबसे इनफॉर्म टीम है और जिसकी पूरी साउथ अफ्रीका स्ट्रेंथ है वो साउथ अफ्रीका है. ऑलराइट, साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के दरमियान अब तक 7 मैचेस हुए हैं जिसमें से साउथ अफ्रीका ने कामयाबी हासिल की है 6 मैचेस में. एक मैच जो है वो बेनतीजा रहा है. और ऑब्वियसली आपको पता है कि पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो मैं आपको सामने भी हम दिखा देंगे पॉइंट्स टेबल, लेकिन यहाँ जो मेरे पास पॉइंट्स टेबल का जो चार्ट है उसके अंदर टीमों की जो पोजीशन है, सिचुएशन है, वो कुछ इस तरह से है कि हम नीचे से शुरू करते हैं. नंबर 10 पे है नेदरलैंड्स, नंबर 9 पे है श्रीलंका, नंबर 8 पे है ऑस्ट्रेलिया, नंबर 7 पे है बांग्लादेश, नंबर 6 पे है अफगानिस्तान, नंबर 5 पे है इंग्लैंड, नंबर 4 पे है पाकिस्तान, नंबर 3 पे है साउथ अफ्रीका, नंबर 2 पे है न्यूजीलैंड और नंबर 1 पे है इंडिया. सो दिस इज़ व्हाट इट इज़. अगर आज साउथ अफ्रीका अपना ये मैच जीतने में कामयाब हो जाता तो डेफिनेटली दे विल फिनिश एट द नंबर वन पोजीशन, जो कि इनकी वेल डिजर्विंग पोजीशन भी है. जो मेरे ख्याल में लाइक यू सेड ऑन पेपर और वैसे भी आई थिंक इस वक्त जो सबसे मजबूत तरीन टीम है दैट साउथ अफ्रीका. व्हाट डू यू थिंक सर? इसमें तो कोई शक नहीं है, इस टूर्नामेंट में सबसे जो बेहतर टीम खेल रही है वो साउथ अफ्रीका ही है. मगर कई दफ़ा होता है कि जो बड़ी टीमें होती हैं ना वो थोड़ा सा रिलैक्स कर जाती हैं ऐसी टीमों के खिलाफ. मगर मेरा ख्याल है कि ये साउथ अफ्रीका एक वह टीम है जो मैंने आपको शायद होगा बताया था पहले भी कि हम दुबई शारजा में मैच खेल रहे थे और ये ऐसी प्रोफेशनल टीम है कि ये बाकी टीमें ऑस्ट्रेलिया भी थी और भी थी वो एंजॉय करने आते थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वो आके अपनी फैमिलीज के साथ ना वो इतना कॉन्सनट्रेट नहीं करते थे मैचों पर. मगर ये साउथ अफ्रीका वह टीम थी, ये
फुल गर्मी में 12 बजे आके शाम को जाती थी, फुल प्रैक्टिस करती थी कि फील्डिंग बैटिंग, तो ये यूज़ टू उस क्लाइमेट का होने की कोशिश करते थे। मगर इसलिए मैं इस टीम को कहता हूँ कि ये सबसे प्रोफेशनल टीम है और ये कभी भी रिलैक्स नहीं करती, और इस मैच में भी मेरा नहीं ख्याल। आप लोग जब जाया करते थे तो कैसे रिलैक्स करते थे, वो आप लोग क्या करते थे, गाते थे गाने, गाते आई नो शोएब गाते हैं, देखें रिलैक्स होने का बड़ा टाइम साथ गुजारा, तो शोएब अख्तर बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, रियली सिंग, ही सिंग्स। और आपने जब भी वो टीम बस में ट्रैवल करते थे और जब हम ट्रैवल वगैरह करते थे तो वो आगे बैठ के माइक पर करते थे और गाना शुरू कर देते थे, शोएब इज वेरी जॉली, वेरी जॉली, बहुत जॉली, और पूरा रास्ता वो गाते ही जाते थे। हां इसी तरह से जी, वैसे तो हमारे साथ जब थे शोएब, मैं खेला हूँ शोएब के साथ, शायद उस वक्त यंग थे, यंग थे हाँ। उस वक्त इतनी वो नहीं करते थे शरारतें, पर रिलैक्स करने के लिए मेरा ख्याल जब आप कोई बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे होते हैं इतने टेंस होते हैं, तो ऐसे बंदों को होना चाहिए जो आपको रिलैक्स करे, टीम उस माहौल से निकाले हाँ। मगर ज़्यादातर लोग टेंस ही होते थे क्योंकि वो सुबह तो मैच, आप क्या करते थे, मतलब सुबह मैच हुआ शाम को क्या किया? शाम को वही टीम मीटिंग होती थी, खाना वाना खाया, फिर जाके कोशिश करते थे कि जल्दी सोएं ताकि सुबह फ्रेश उठे, क्योंकि होता ये था कि मैं आपको सच बताऊं नींद नहीं आती थी, स्पेशली जब आप इंडिया वगैरह जैसी टीम के खिलाफ जहां आपको लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती थी कि यार कल के मैच में हमने जीतना, जैसे इंडिया के साथ मैच था तो आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग प्रेशर इतना होगा कि वो उनकी नींद भी पूरी नहीं हुई होगी, क्योंकि सारी रात वो सोचते होंगे सुबह परफॉर्म करना है, पाकिस्तान देख रहा है, दुनिया देख रही है, तो ये होता है। तो रिलैक्स करने के लिए आप म्यूज़िक सुनते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते थे रिलैक्स। अच्छा, बैट्समैन का मिजाज और बॉलर का मिजाज अलग अलग होता है क्या? अलग इसलिए बन जाता है क्योंकि बैट्समैन थोड़ा सा एक कम्फर्ट जोन में रहते हैं, उनको इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, और फास्ट बॉलर क्योंकि जो बॉलर्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, आप सुबह से शाम तक स्पेशली आज का जो T20 का फॉर्मेट है उसके अंदर तो उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो फिर उसके बाद जब आपके पास फारिग टाइम होता है या शाम को आप जाते हैं तो एक तो आप इतना ज़्यादा फटीक हो जाते हैं कि आपके पास वो स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि आप उठकर कहीं जाएं, आप मुश्किल अपने कमरे में जाते हैं और फिर जाकर लेट जाते हैं। फिल्में देखते थे आप? बस यही कि आप में इतनी जान होती है कि आप रिमोट से टीवी ऑन कर सकते हैं। मैंने जो सवाल किया उसका जवाब, फिल्में देखते थे बाज दफ़ा अगर कोई पसंद आ गई तो, इसलिए कि चार ओवर के बाद थकावट बहुत हो जाती है ना फास्ट बॉलर को, और बैट्समैन अगर 100 कर ले तो ये राउंड से मैं एग्री नहीं करता कि राउंड कहता है बहुत फटीक होती है, इसमें कोई शक नहीं जिसका लंबा स्टार्ट है उसको, पर 4 ओवर और 10 ओवर के बाद अगर जैसे विकेट कीपर है मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा फटीक तो उसको होती होगी कि रिजवान 50 ओवर कीपिंग भी करेगा और उसके बाद जाके वो अगर 100 उसने जैसे किया 100 ओवर बैटिंग भी करनी है 50 ओवर। तो मेरे ख्याल है मैं इस बात पे रोहित से थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, टेंशन सबको होती है, फटीग सबको होती है, जब आप फील्डिंग में भी उतनी जान मारते हैं, अब फास्ट बॉलर के बॉलिंग की थर्ड मैन पे जाके खड़ा हो गए, मगर उसमें जोर बहुत लगता है, इसमें कोई शक नहीं, पर फटीक रोफ सबको ही पड़ती है। सलीम भाई आप उसका सफर जेन में लाएं कि जो ऑलराउंडर होगा कि जिसने 20 ओवर बॉलिंग भी की है एक मैच में, टेस्ट मैच में, और उसके बाद उससे कोई 50-60 रन की इनिंग बैटिंग भी की है, जिस तरह लाइक इमरान खान, जैक कैलिस या गैरी सोबर्स थे, तो ये तो एक मैसिव स्पोर्ट्समैन थे, यानी कि उनकी तो, मगर उन्होंने बात स्पेशली फास्ट बॉलर की थी, ऑलराउंडर या विकेट कीपर की नहीं। अच्छा जी, मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद इनसे कुछ वाकयात, ये बॉलीवुड में बहुत मिले हैं और आज तक इनकी दोस्तियां जो हैं, सलीम भाई, और आज तक इनकी दोस्तियां जो हैं वो कायम, मुझे जैसी मर्जी देखें आप, मैंने बताना है लोगों को तो मैंने घर जाना, आपको घर जाएंगे, आज तक इनकी दोस्तियां जो है वो कायम है। छोटा सा ब्रेक है, उसके बाद हम नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका की बात करते हुए तैयार है, तैयार है। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक, और धर्मशाला में ये मैच हो रहा है, और अब सिचुएशन ये है धर्मशाला की कि इस वक्त तक वहां पर बारिश हो रही है और अभी तक मैच जो है वो शुरू नहीं हो सका। इन केस के अगर ये मैच शुरू नहीं होता और दोनों टीम को मसावी पॉइंट्स दिए जाते हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है? देखिए मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका 2 मैच जीती हुई है, फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए, पर एक कंपैरेटिवली बहुत बेहतर टीम साउथ अफ्रीका है, उसको इस लिहाज से बहुत फ़र्क पड़ेगा कि एक पॉइंट उनका ज़ाया होगा और आगे जाके कुछ भी हो सकता है ना, आप मार्जिनली पीछे रह सकते हैं, पर मेरा ख्याल मैच होना चाहिए, ये एक अच्छी टीम का मैच
आई थिंक फर्ज कीजिए कि ये 20 ओवर्स का महदूद मैच होता है, 20 ओवर्स के अंदर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ है, क्या देखें जितने ओवर्स कम होंगे ना, जो अच्छी टीम होगी वो फिर लेवल पे आ जाती है। आप T20 प्रेडिक्टेबिलिटी जो है उतनी कम होती चली जाएगी, बिल्कुल हो जाती है। देखें ना, फिर आपके भी चांसेस उतने ही होते हैं कि आपका अच्छा दिन हो तो आप मैच जीत सकते हैं। बचपन में हमने सुना था दे मार 4.5, मतलब क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, T20 इज लाइक दैट ना, दुनिया का बेहतरीन बॉलर आप T20 के अंदर बोले तुम बॉल करो। देखें ना, आप मैच नॉर्मली आप देखें, बहुत सारी टीमें ऐसी भी हैं जिनका दिन अच्छा हो तो वो उस दिन मैच जीत जाती हैं, तो ये उनके लिए मेरा ख्याल अच्छा नहीं होएगा, साउथ अफ्रीका के लिए अगर 20-20 हो जाए। इसमें नो डाउट उसमें भी वो बेहतर टीम है उनसे, पर फिर थोड़ा सा ना लेवल एक जैसा हो जाता है। कि आपने कहा, हम बार बार क्यों कहते हैं कि पार्टनरशिप लगनी चाहिए, फिर 30 ओवर में जैसे कोई हल्की टीम बार बार कहते हैं, जो वीक टीम होती है उसके लिए वो 50 ओवर खेलने मुश्किल हो जाते हैं। तो 20 में तो 4 ओवर की गेम है, आपने आके हिटे मारनी है सिर्फ, तो उसमें कंपटीशन एक जैसा हो जाता है। एक जैसा, तो व्हाट डू यू थिंक सर? अच्छा, इसमें बेसिक चीज़ ये है कि जो शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है ना, थोड़े ओवर 20 फॉर्मेट, इस पे जो स्ट्रांग टीम होती है ना उनका कमबैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर लॉन्ग फॉर्मेट है जिस तरह टेस्ट मैच है उसकी सेकंड इनिंग या वन डे या 50 ओवर्स में, तो उसमें जो स्ट्रांग टीमें हैं वो अगर एक पार्टनरशिप में बिल्ड हो जाए जिस तरह पिछले मैचेस में हुई है, मगर उन्होंने दोबारा ऑस्ट्रेलिया ने भी कमबैक किया था लास्ट मैच में, तो वो कमबैक कर सकती हैं। शॉर्ट फॉर्मेट में डिसएडवांटेज स्ट्रांग टीम को ये होता है कि कमबैक का चांस बहुत कम होता है। मगर यहाँ पे अगर धर्मशाला की आप बात करें तो ये एक तो बारिश वगैरह हो रही है, मॉइस्चर होगा, दूसरा जो साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, जिसमें जॉनसन है, रिबाडा है, निगेडी है, तो मेरा ख्याल है कि वो इतना ओपन उनको चांस देंगे नहीं। आउटफील्ड के इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सवाल आते रहे, पीछे जो इंग्लैंड का मैच था उसमें बहुत सख्त है, सख्त भी और थोड़ी सी बम्पी है, जिस तरह बटलर ने कहा अपने प्लेयर्स को कॉशन दिया था कि ये यहाँ पे आप केयरफुल रहें क्योंकि जो ग्राउंड है अनइवन है और आप किसी भी टाइम पे अनफिट हो सकते हैं, तो इसमें मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा और काम करना चाहिए था क्योंकि वर्ल्ड कप का मैच है। दूसरा जो धर्मशाला है ये बड़ी खूबसूरत एक सियाती मरकज़ है, ये हिमाचल प्रदेश का एरिया जिसमें जो दलाई लामा की हेडक्वार्टर और पास्ट में नेपाल का हिस्सा रहा ये धर्मशाला, तो बहुत खूबसूरत जगह है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सियाह वगैरह जाते रहते हैं। आपके तो, आपको सबसे अच्छा ग्राउंड कौन सा लगता है इंडिया में? इंडिया में यही मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है धर्मशाला, क्योंकि इसमें थोड़ा सा सीम होता है फास्ट बॉलर के लिए अच्छा है, मगर जो कलकत्ता के इनका स्टेडियम है वो बहुत खूबसूरत है। कलकत्ता का ईडन गार्डन वो आपका जो तारीखी नॉक है वो ईडन गार्डन का नॉक है। असल में वहाँ ना सबसे बड़ा ग्राउंड वही था उस वक्त, 1,20,000 शायद लोग उस वक्त बैठ सकते थे, तो इसलिए हाँ बहुत उसमें लाख 90,000 कुछ कैपेसिटी है सबसे, 1,20,000 इसकी नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो इसकी। हाँ वो शायद आप ठीक कह रहे हैं, मैं प्लीज डोंट कोट मी नहीं, इसमें क्या फर्क पड़ता है, हम कौन सा किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, मगर था कि वो बड़ी ग्राउंड थी, उसको खूबसूरत, बड़ी खूबसूरत ग्राउंड थी, ये इसमें कोई शक नहीं। देखें धर्मशाला की जो बात कर रहे हैं ना, ये मेरे ख्याल में इनको बार बार हम जो कहते हैं कि ये इसको सीरियसली इन्होंने इतना लिया वर्ल्ड कप को, इस ग्राउंड को तो इन्होंने आईपीएल में पूरे ग्राउंड चेंज किए हैं इन्होंने, जब आईपीएल होता है तो ये वाहद ग्राउंड है कि इसमें इन्होंने काम नहीं किया, इसका मतलब है कि वो इतना वर्ल्ड कप को सीरियस लिया ही नहीं उन्होंने, कभी भी नहीं लिया। अच्छा, लग भी नहीं रहा इस बार ना कि लिटरली वर्ल्ड कप हो रहा है, मतलब वर्ल्ड कप जब होता है, क्रिकेट वर्ल्ड कप जब होता है तो लगता है कि यार क्रिकेट वर्ल्ड कप हो रहा है, दिस इज एन इवेंट, लेकिन ये इवेंट ऐसा लग रहा है जैसे इंडिया के अंदर हो रहा है और इंडिया के लिए हो रहा है। ये लग रहा सम हो के जिस तरह ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि जो आईपीएल है इंडियन प्रीमियर लीग वो इससे कहीं बड़ा इवेंट है, और मेरा ख्याल है कि वो उसको साबित भी यही करना चाह रहे हैं कि आईपीएल वर्ल्ड कप से बड़ा इवेंट है और वर्ल्ड कप की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है जितनी आईपीएल की है, क्योंकि देखें कि वहाँ पे टोटल डिफरेंट होता है, जब आप आईपीएल हो रहा होता है तो जो ग्राउंड के मैनेजमेंट होती है, इंतजाम होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइप पकड़ी होती है हर चीज़ ने, मगर इसमें इतनी ज़्यादा मिसमैनेजमेंट है जिस तरह ये धर्मशाला का ग्राउंड देख लें कि इसकी आउटफील्ड तक वो ठीक नहीं कर सके, और फिर जो बाकी ग्राउंड्स हैं वहाँ पर ढोल वाले बिठाए हुए हैं, और जो इसकी इफ्तिताही तकरीब, तो आप नाराज किस बात से, मतलब कि ढोल वालों से नाराज हैं या किसी और चीज़ से? देखें कि आईपीएल में चेयर लीडर्स होती हैं और यहाँ पर ढोल वाले होते हैं, तो डिफरेंस तो फिर है ना। अब ये मैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड को बता रहा हूँ कि जो अब्दुल रऊफ साहब हैं नाराज इस बात से हैं कि जी आप आईपीएल में चेयर लीडर्स देते हैं, वर्ल्ड कप में चेयर लीडर्स क्यों नहीं दिए,
तो वर्ल्ड कप में भी चीयर लीडर्स होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, अगर आईपीएल में है तो जिस तरह की आईपीएल के आपके इंतजाम है उसी लेवल के आपके वर्ल्ड कप में होने चाहिए। अगर नहीं है तो मेरे लिए क्रिकेट बगैर चीयर लीडर्स की बहुत अच्छी थी, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि क्रिकेट के अंदर, अच्छा मैं जेन्युइनली अपने फीलिंग बता रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आती चीयर लीडर्स ना, तो इट्स नॉट कि इट्स बैड, बट मुझे लगता है कि क्रिकेट जो प्योर क्रिकेट है ना, मुझे सिर्फ वही देखनी होती है। मुझे आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन यू नो कि क्या है वो, होना तो नहीं चाहिए, मगर जिस तरह की देखेंगे आप किसी भी टूर्नामेंट को इंटरेस्टिंग बचाने के लिए, इंटरेस्ट उसमें क्रिएट करने के लिए आप एक हाई, मेरे लिए क्रिकेट इंटरेस्टेड है यार, मेरे लिए क्रिकेट इंटरेस्टिंग होती है, चीयर लीडर्स इंटरेस्टेड। असल में चीजें बहुत चेंज हो गई है ना सर भाई, बंदा चेंज हो गया बैठे बैठे, हाँ टी ट्वेंटी में बहुत कुछ चेंज हुआ। अच्छा, हमने एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद यही से शुरू करते हैं, क्या क्रिकेट में चीयर लीडर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आप कॉल कर लें, उसके बाद हम नेदरलैंड साउथ अफ्रीका के मैच पे अगर हुआ तो बात करते हैं, वरना मौजूद यही होगा कि क्या क्रिकेट में चीयर लीडर्स होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और इंडियन क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट है कि रऊफ भाई की दरख्वास्त जो है उसको समझ लें, हर ग्राउंड के अंदर चीयर लीडर्स चाहिए ना। ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद। All right, जी, decision नहीं हुआ है about the cheerleaders, but you know, let's talk about the game today. अगर ये game होता है, तो किसको, कौन आपकी आपकी favorite team कौन होगी अगर ये game होता है तो? मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका, कान सब कुछ बंद कर दे फिर भी साउथ अफ्रीका ही। साउथ अफ्रीका, all right, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। आप कौन से प्लेयर्स ऐसे हैं जो वाकई आपको लगता है कि इसके अंदर इम्पैक्ट डाल सकते हैं साउथ अफ्रीका की जाने? जी, साउथ अफ्रीका देखें, डीकॉक दो सेंचुरियां कर चुके हैं, मार्करम बहुत अच्छी फॉर्म है, डोसन आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे हैं, क्लासन बहुत ही शानदार प्लेयर है, उसके बाद जो उनके बॉलर्स हैं, मिलर भी आ जाए, मिलर का भी नाम ले लो यार। मिलर की शायद मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक वीक मैच है, शायद बारी आती है नंबर 5। आई डोंट थिंक मिलर इज गोइंग टू प्ले। और उसके बाद जो उनके रबाडा हैं, जॉनसन जो उनके फास्ट बॉलर हैं, और नगेडी, ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे इस मैच में, तो यही मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका की जानिब से। अगर आप साउथ अफ्रीकन कैप्टन होते तो आप टॉस जीत कर पहले बैटिंग करते या बॉलिंग करते? यार प्रैक्टिस के लिए तो बैटिंग ही करता, मगर जो कंडीशन है शायद बॉलिंग ही करें वो, बॉलिंग। मगर ये आप देखें, अभी रऊफ ने जितने नाम लिए हैं, कौन सा प्लेयर है उनमें जो मैच विनर नहीं है, जो टीम को जितवा सकता है ना, हर प्लेयर उनका देखें ना, 7 नाम ले दिया, अभी मिलर का नाम नहीं लिया। हाँ, मिलर का नाम, और मैंने तो ये मतलब उनकी टीम को आप कंपेयर नहीं कर सकते इनकी टीम के साथ, वो तो उसमें हर वो एक जिसको कहते हैं ना हीरा है, जो जैसी फॉर्म जा रही है, हाँ इनकी फॉर्म ना होती जैसे ऑस्ट्रेलिया स्ट्रगल कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ना था कि यार कौन सा प्लेयर इनका है जो चले। लेट्स से कि अगर आप नेदरलैंड के कप्तान हैं तो फिर क्या करते, फिर भी बॉलिंग करते? देखें उसमें चांस यही था कि आप बॉलिंग ही करें, क्योंकि सेकंड टाइम अगर आपके पास एक चांस होता है कि आपने कितने रन को ओवर्स पर ओवर करना है ना, टारगेट एक होता है ना आपके सामने, जब आप आपके पास बॉलिंग नहीं है इतनी स्ट्रांग, तो फिर आप कोशिश करते हैं कि बैटिंग पे चाहते हैं, मगर बैटिंग भी उनकी तो एक दो प्लेयर ही है ना, निधि है, वो हर मैच बॉलर भी वही है, बैट्समैन भी वही है, वहाँ ऐसा नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये एक चांस ही होता है आउटराइट के आपको आउट अच्छा उनको कम स्कोर पर कर लें और फिर स्कोर कर दें, पर चांस कोई नहीं होता है जो स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है। लेकिन चूंकि क्रिकेट है इसलिए अपसेट हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता, हो सकता है। और स्पेशली अगर लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट हो जाती है, बहुत लिमिटेड मीनिंग बहुत शॉर्ट फॉर्मेट हो जाता है, दैट मींस कि अगर 20 ओवर पे चले जाते हैं या 25 ओवर का गेम हो जाता है तो फिर चांसेस बहुत डिफरेंट है। जितने कम ओवर होंगे उतने चांसेस आपके ज्यादा हैं कि आप मैच। और दूसरा एक बात और है, आई थिंक करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि नेदरलैंड्स अब इस गेम में जब जा रहा है तो दे हैव नथिंग टू लूज, they have nothing to lose, they have everything to gain, तो I think वो अपनी 100% से भी ज़्यादा आउटपुट देने की कोशिश करेंगे। नहीं, इसमें तो देखें वो जितनी भी ये टीमें हैं जो क्वालिफाई करके आई हैं, उनके पास तो उनको पता है कि हमने फाइनल में नहीं जा सकते, हम जो मर्जी कर लें, वो ये उनकी कोशिश ज़रूर होती है कि हम करीब करीब जाएँ, ठीक है, ताकि अगली दफ़ा के लिए वो और कोई प्लेयर आए, तो अदरवाइज इनका कोई चांस नहीं है। आप मुझे बताएं, ऑब्वियसली आज तक जितने भी टूर्नामेंट हुए हैं जो क्वालिफाई करके आए हैं, मेरा पिछली दफ़ा एक दफ़ा शायद अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत चांस हुआ था, आई थिंक आयरलैंड का, स्कॉटलैंड या आयरलैंड, आयरलैंड का, आयरलैंड को ये टीम का चांस हुआ था जो क्वालिफाई करके आई थी, मगर अदरवाइज ये सेमीफाइनल तक क्वार्टर फाइनल तक भी इवन नहीं जाती, क्योंकि उनको
पता है कि हमारी एबिलिटी, मेरा ख्याल सबको ही पता होता है कि इनकी इतनी है, अच्छी टीम के खिलाफ उनके चांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। तो ये कोई कर जाए तो वो तो कमाल ही हो जाएगा फिर, इसका मतलब वो टीम बहुत इम्प्रूव कर गई है। सर आप बताइए, अगर आप श्रीलंकन नेदरलैंड के कप्तान हैं तो आप क्या करते हैं आज? ये डेफिनेट बॉलिंग पे जाएंगे, क्योंकि एक तो स्विमिंग कंडीशंस है और मॉइस्चर है थोड़ा सा, तो ये जितने इनके स्विमर्स हैं उनको ये ट्राई आउट करना चाहेंगे। और मेरा ख्याल है कि जो इनका नेचर होती है, जो नई टीमें आती हैं इनकी नेचर भी अग्रेसिव होती है, और जितने ज़्यादा कट डाउन होते जाएंगे ओवर्स इतना ज़्यादा इनका चांसेस बेहतर। अच्छा, दोनों से सवाल, क्या साउथ अफ्रीका कोई रिस्क लेगा इस ग्राउंड के अंदर अपने बहुत जो प्रोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनको खिलाने का? क्योंकि अगर ये ग्राउंड चूंकि बम्पी है, कोई अगर ऐसी इंजरी हो जाती है जिसकी वजह से, लेकिन ये इसके अलावा जो मैच भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर साउथ अफ्रीका ये मैच जीता तो वो पॉइंट्स टेबल में टॉप पे चला जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो प्रैक्टिस डेफिनेट करेंगे, मे बी कोई किसी एक आध फास्ट बॉलर को जिसको बहुत ज़्यादा इन्होंने मैचेस वगैरह खिलाए हैं तो उनको रेस्ट लेने के लिए किसी दूसरे बॉलर को ट्राई आउट करें, मगर जो मेजर इनके बैट्समैन है मेरा नहीं ख्याल कि किसी बैट्समैन को ये बात। इसमें एक चीज़ हो सकती है सर भाई कि ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि जिनकी बारी नहीं आई लंबी उसको वो मौका दें ताकि वो प्रैक्टिस उनकी हो जाए, नीचे वाले बैट्समैनों को शायद शफल कर लें, वो भी उस सूरत में कि अगर उनको जल्दी आउट करते हैं तो, अदरवाइज वो कभी भी चांस नहीं लेंगे कि हम ऐसी सिचुएशन में जाएं कि हम फंस जाएं। नहीं भाई, वो इनका एक बैट्समैन है बुमा जो उनके कैप्टन है, उनकी अभी तक थोड़ी बारी आई है, वो तो वो करते हैं ओपन, उसको आप ओपन से ज्यादा ऊपर कहाँ भिजवाए नीचे वाले बैट्समैन को तो ऊपर लाया जा सकता है, एक टेलीफोन कॉल है वो तो और ही नीचे जाए। लेट्स सी हु दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी मुश्ताक बात कर रहा हूँ। मुश्ताक, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सलीम भाई से, रऊफ भाई से कुछ सवाल है आपका? जी मेरा सलीम भाई से सवाल है जी। जैसे पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी इंडिया के खिलाफ, तो 155 के दो आउट थे, उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो ना क्लैप कर गई 191 पे ऑल आउट हो गई थी, इसी तरह का श्रीलंका के साथ हुआ, इसकी क्या रीजन है? पिच का कोई मसला आ रहा है या क्या, इसकी क्या रीजन हो सकती है? जी सर, क्या ये कह रहे हैं कि कोलैप्स कर गई थी जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन कोलैप्स कर गई थी, इसका रीज़न क्या हो सकता? इसका रीज़न तो यार बड़ा ऑब्वियस है कि हम बार बार कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगानी चाहिए, और फिर जब कोई भी मेन प्लेयर जब आपका स्कोर करता है, जैसे बाबर और रिजवान खेल रहे थे, उनकी कोशिश तो यही होनी चाहिए थी कि यार इसको लंबा लेके जाएं। आप देखें जितने बाकी दूसरी टीमों के प्लेयर हैं वो एंड तक लेके जाते हैं, हमारी अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि हम सेट होने के बाद ये सोचते हैं कि हमने अपना स्कोर कर लिया और बाकी टीम जाने और बाकी प्लेयर जाने, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप सीनियर प्लेयर होते हैं ना तो आपकी एक रिस्पांसिबिलिटी होती है कि आप टीम को ले उस अगर बुरे टाइम से निकाला है तो फिर अच्छा टाइम पूरा एंड तक लेके जाएं। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है कि बहुत से प्लेयर ऐसे हैं वो 50 करने के बाद आउट हो जाते हैं, अगर आप दूसरी टीमों को देखें तो वो एंड तक लेके जाते हैं। हमें छोटी छोटी पार्टनरशिप, हम रोज़ कहते हैं कि छोटी छोटी पार्टनरशिप लगाएं, वो हम नहीं लगा। अच्छा दूसरा एक बात और सलीम भाई, ये मेरा आपसे सवाल है और आपसे भी सवाल है, बिकॉज आप भी बॉलर जाहिर है रहे हैं। मेरा सवाल ये कि ठीक है 191 का हमने स्कोर कर लिया था, लेकिन मुझे वो गेम प्लान 191 को डिफेंड करने का नज़र नहीं आया। मतलब देखिए, आई नो कि स्कोर कम था, मुश्किल था, और इंडिया की बैटिंग लाइनअप पे तो ये स्कोर था ही कुछ नहीं, लेकिन कम से कम आप में वो फाइटिंग स्पिरिट तो होनी चाहिए ना, आप में वो तो नजर आनी चाहिए, वो भी लैक कर रही थी। सर पहले मुझे बताएं, आई एम राइट और रॉन्ग, ये मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? नहीं, आपका क्वेश्चन ठीक है अपनी जगह, मगर होता क्या है कि जब आप इतना कम स्कोर देते हैं ना, हम बार बार क्यों कहते हैं कि यार इतना टारगेट अपनी बॉलिंग को दो कि वो डिफेंड कर सके और लड़ाई का फाइट कर सके। अच्छा, एक मुझे चूंकि ब्रेक लेना है, जल्दी से मुझे बताइए अगर मैच होता है तो कौन जीत रहा है? आपसे मिलेंगे मैच के बाद। लेट्स सी व्हाट हैपेंस।